हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल टेक्निकल जीनियस में। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग पास कोटक महिंद्रा बैंक का, अगर आप लोग पास क्रेडिट कार्ड है, कोई सा भी क्रेडिट कार्ड अगर आप लोग पास कोटक महिंद्रा बैंक का, और दोस्तों उसका बिल कैसे पे करते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो दोस्तों, बिल आपको सही तरीके से पे करना होता है कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड, और कोटक का ही नहीं दोस्तों, कोई सा भी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसका सही तरीके से अगर आप बिल पे करोगे तो आपको अच्छा खासा कैशबैक भी आपको मिलेगा, अच्छा खासा आपका सिविल भी बनेगा, अच्छा खासा आपका जो है लिमिट भी इंक्रीज होगा। तो कैसे बिल पेमेंट करते हैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, साथ में ये भी दिखाऊंगा कि बिल पेमेंट करने के बाद हमें अच्छा खासा कैशबैक भी मिलता है। तो चलो दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखो, मैं अभी अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर आ गया हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसका बिल कैसे पेमेंट करना है। देखो दोस्तों, कोटक महिंद्रा का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए आप जो है कोटक 811 एप्लीकेशन से भी जो है आप बिल पे कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड का। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोटक 811 से अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो तो आपको जो है कैशबैक उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको इस एप्लीकेशन से करना है तो कैसे आपको बिल इसका पेमेंट करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैं प्रॉपर इसका ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जाओगे आप दोस्तों कार्ड वाले ऑप्शन में, जब आपका एप्लीकेशन लॉगिन होगा आप जो है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन में आप चले जाना। यहाँ पर मिलेगा आपको कार्ड ओवरव्यू का ऑप्शन, इसके अंदर आप चले जाओगे। यहाँ पर देखो मेरा क्रेडिट कार्ड जो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर खुल गया है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिल पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, जो कि दोस्तों मेरा जो मेरा बिल आया है वो 712.80 रुपए का बिल आया है। ठीक है, यहाँ पर नीचे की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर जो है बिल आप पेमेंट कर सकते हो, पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आप बिल जो है पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को कैशबैक, अच्छा खासा कैशबैक अगर आप लोगों को चाहिए तो कैशबैक कैसे आप अर्न करोगे। कैशबैक के लिए दोस्तों देखो आपको क्या करना है, आपको ये वाला एप्लीकेशन आपको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, क्रेड एप्लीकेशन। दोस्तों ये क्रेड एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड में से जो है कैश विड्रॉल भी कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो, इसमें जो अच्छा खासा आपको लोन भी मिल जाता है अगर आप इसे यूज करते हो तो, और कैशबैक तो पूछो मत, कैशबैक तो दवा के इसके अंदर मिलता है। आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर आप देख लो इसका लोगो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ओपन करना है, और दोस्तों इसको ओपन करने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, इसको मोबाइल नंबर से आपको इसको लॉगिन कर लेना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर से आप इसको लॉगिन कर लेना। लॉगिन मैंने ऑलरेडी पहले से इसको रजिस्ट्रेशन कर रखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से ये एप्लीकेशन खुल के आएगा। ठीक है, अब देखो कैशबैक इसके अंदर कैसे आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देखो क्रेडिट कार्ड का अगर आपको बिल पेमेंट करना है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन में। ठीक है, आपको इस वाले ऑप्शन में चले जाना है। जब दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन में जाओगे, आपके मोबाइल नंबर से जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है वो सब यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, और अगर शो नहीं होता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, ऐड कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपने कार्ड का नंबर हो गया, अपना नाम हो गया, कार्ड होल्डर का नाम, ये सब डाल के दोस्तों प्रोसीड करके आपको अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो इसके अंदर जो है आपको ऐड कर लेना है। जब इसको ऐड कर लोगे तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी कार्ड आप ऐड करोगे यहाँ पर आपके पास कार्ड दिखेगा। यहाँ पर देखो मैंने 3-3, 4-4 कार्ड मैंने इसके अंदर जो है ऐड कर रखा है। ठीक है, हमारा दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है और कैशबैक भी हमें अर्न करना है। जब दोस्तों आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पर नीचे की साइड आपको बता देगा कि आपका क्रेडिट कार्ड है उसका बिल आपको पेमेंट करना है और कितना दिन समय है वो सब कुछ यहाँ दिखाएगा। यहाँ पर देखो नीचे यहाँ पर दिखा रहे कि 9 दिन के अंदर आपको पूरा पेमेंट करना है। ठीक है, आपका जितना भी टाइम होगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, जो भी बिल आएगा दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कब आपको पेमेंट करना है। तो देखो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का ऑटोमेटिक यहाँ पर जो मेरा क्रेडिट कार्ड यहाँ पर ले लिया है। आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर ऐड करना है। जब आप क्रेडिट कार्ड को ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक जो भी इसका ड्यू डेट आएगा उससे पहले पहले यहाँ पर आ जाएगा और बोलेगा आपको बिल पेमेंट करने के लिए। यहाँ देखो दोस्तों क्या लिखा है, पे इंस्टेंटली विन अप टू 1000 रुपीज, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं कि आप इसको पेमेंट करते हो बिल को तो आप 1000 रुपए तक का कैशबैक इसके अंदर आप जो है जीत सकती हो। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पे इंस्टेंटली वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना होगा, क्रेडिट कार्ड का जो होल्डर नेम है वो आपको डालना होगा यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है। तो चलो यहाँ से फटाफट से मैं यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल देता हूँ, उसके ऊपर जो नाम है वो नाम डाल देता हूँ, प्रोसीड करके पेमेंट में करके आपको दिखाता हूँ। सारा डिटेल यहाँ पर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसको प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा,
यहाँ पे एक्सपायरी डेट और यहाँ पे मंथ डालने के लिए यहाँ पे आएगा, मंथ डालो और एक्सपायरी ईयर यहाँ पे डालना आपको, ठीक है, एक्सपायरी डेट, ठीक है, एक्सपायरी मंथ और दोस्तों ईयर डालने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड जब आप दोस्तों यहाँ पर कर दोगे तो यहाँ पर आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोसीड किया, प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है लिंक ईमेल आईडी, अगर आपका ईमेल आईडी इसके अंदर लिंक होगा तो आपके पास नहीं आएगा। यहाँ पे मेरे को लिंक करने के लिए बोल रहा है कि अगर आपको दूसरा ईमेल आईडी लिंक करना चाहते हो वो लिंक कर सकते हो। फिलहाल हमें यहाँ पे ईमेल आईडी को लिंक नहीं करना है, तो हम इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा दोस्तों मेक पेमेंट करके एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको पे नाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो हम इसको पेमेंट कर देंगे, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, पे टोटल और मिलेगा आपको पे मिनिमम। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो तो कभी भी आप एक बात ध्यान रखना, मिनिमम पेमेंट कभी भी आप पे मत करना। ये क्या है कि क्रेडिट कार्ड वाले कहते हैं कि मिनिमम पेमेंट करो, आपका जो है आपको डेट मिल जाएगा, टाइम आगे आपका एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कभी भी आप मिनिमम पेमेंट मत करना, अगर आप गलती से भी मिनिमम पेमेंट कर देते हो तो आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग के आपका पूरा पेमेंट करना होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये मान लो कि 712 रुपये मेरा पेमेंट है, अगर मैं 100 रुपये पेमेंट कर दूंगा 612 रुपये के अंदर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मेरा लगेगा, अच्छा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, तो वो मेरे को पेमेंट करना पड़ जाएगा। इसलिए आपको कभी भी करना है तो आपको पे टोटल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और पे टोटल को ही आपको पेमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे टोटल वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लेगा। प्रोसेसिंग टाइम लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आ गया है, पे नाउ का ऑप्शन हमें देखने को यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मेरा 712.80 रुपये मेरा जो पेमेंट करना था, लेकिन दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन क्रेडिट एप्लीकेशन से अगर आप बिल पेमेंट करोगे तो आपको 13 रुपये मेरे को यहाँ पे कैशबैक यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोस्तों नीचे एक साइड आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोस्तों जो मेरा 712 रुपये था, मेरे 699.80 रुपये सिर्फ मेरे को यहाँ पे पेमेंट करना है। यानी कि दोस्तों मेरे को 13 रुपये का कैशबैक इसके अंदर मेरे को मिल गया है। अब यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं इसको पेमेंट करूंगा। जैसे आप पे नाउ वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करोगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपको बैंक सिलेक्ट करना जिस बैंक से आप पेमेंट करोगे। देखो एक चीज मैं बता दूं, जो मेरा मोबाइल नंबर क्रेडिट कार्ड के अंदर ऐड है वो मोबाइल नंबर इस फोन के अंदर नहीं है, एक्चुअली जिस फोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर मेरा मोबाइल नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसे मैं पे नाउ वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, वहां पर आपको ट्रांजेक्शन पिन डालना है। ट्रांजेक्शन पिन डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेरा बिल पेमेंट पूरा कम्प्लीट हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोस्तों मेरे को जो है वहां पर दिखा रहा था 12 रुपये कैशबैक, लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पर जो है पूरे पूरे 50 रुपये कैशबैक मेरे को यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पे व्यू बैलेंस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो पूरे के पूरे 50 रुपये मेरे को कैशबैक अभी मेरे को मिले हैं। अभी आज 24 तारीख है, यहाँ पर देखो 50 रुपये पूरे पूरे मेरे को यहाँ पर मिल गए, यहाँ पर ठीक है 50 रुपये क्रेडिट हो गया मेरे को पूरा कैशबैक, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर 23 रुपये यहाँ पर दिखा रहा था, सॉरी 13 रुपये यहाँ पर दिखा रहा था, लेकिन पता नहीं 13 रुपये भी मेरे को मिला है, साथ में और भी पैसा मेरे को यहाँ पे मिल गया है। तो टोटल यहाँ मेरे को 50 रुपये जो यहाँ पर इसके अंदर कैशबैक मेरे को यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करोगे तो आपको कैशबैक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि ऊपर की साइड मेरे पास मैसेज भी आ गया है कि योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुली। यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा हमारा पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे कम्प्लीट हो गया है। यहाँ देखो फुल पेमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, फुल पेड यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। अब हम दोस्तों जाएंगे कोटक का जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसके अंदर हम जाके अब हम चेक करेंगे कि हमारा पेमेंट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हमारा पेमेंट पूरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं। कार्ड वाले ऑप्शन में हम जाते हैं, कार्ड ओवरव्यू वाले ऑप्शन में हम चले जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, थोड़ा हम वेट करेंगे यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए। और यहाँ पर वेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा क्रेडिट कार्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है और जो हमारा ड्यू अमाउंट था वो हमारा पूरा पे हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पर पूरा 0 अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है, बिल्कुल हमने पूरा यहाँ पर पेमेंट हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको अच्छा खासा कैशबैक देखने को मिल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 50 रुपये कहाँ से आए, तो एक्चुअली मैं अभी फिलहाल समझ गया हूँ मैं। और यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको 13 रुपये डिस्काउंट मिला, लेकिन 50 रुपये कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो 13 रुपये दोस्तों जो आपने बिल पेमेंट कर रहे थे, आप जितना अमाउंट था आपका, वो जो आपने पेमेंट किया उसमें आपको डिस्काउंट हुआ 13 रुपये, ठीक है। बाकी 50 रुपये अलग से आपको जो है आपको जो इसके अंदर कैशबैक आपको देखने को मिला है, इससे आप दोस्तों यूज कर सकते हो कैसे, आपको जैसे इसे स्कैन करके आप पेमेंट वगैरह इस एप्लीकेशन से कर सकती हो। तो दोस्तों देखो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, इतना डिटेल में कोई भी आपको नहीं बताएगा कैसे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं, कैसे कैशबैक जीतते हैं, ठीक है, कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो देखो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।